नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम लोग रिपोर्ट बोर्ड और रिपोर्ट ऑटोमेशन एंड डैशबोर्ड्स पे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल यूट्यूब पे देखा। यूट्यूब पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें आप देखिए कि ट्रैफिक सोर्स के हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डेटा है जिसमें बाय डिफॉल्ट 5 चार्ट के ऊपर लाइन चार्ट्स डेट वाइज होता है, लेकिन अगर मैं गूगल सर्च को क्लिक किया या एक या दो को क्लिक किया तो फिर उतने का यहाँ पे चार्ट बन जाता है। तो मैं कुछ इसी तरह का प्रोग्राम करना चाहता हूँ कि मैं अनचेक कर दूँ तो डिफॉल्ट 5 का आ जाए और मैं जिसको क्लिक करूँ चार्ट मेरा उसी का ही दिखाए। तो कुछ इस तरह का सेटिंग हम करना चाहते हैं। चलिए, तो हमने डेटा डाउनलोड किया है। तो ये हमारा टेबल का डेटा है, मतलब कि जो ये वीडियो नीचे जो डेटा दिख रहा है ये डेटा हमारा ए है, और चार्ट जिस डेटा पे बना हुआ है तो डेट वाइज सोर्स टाइटल के अकॉर्डिंग चार्ट हमारा यहाँ पर है। मतलब कि सोर्स टाइटल यहाँ पे कोई एक सोर्स टाइटल एक बार ही रिपीट कर रहा है, बट इसमें सोर्स टाइटल एक डेट के हिसाब से, एक डेट में एक बार है व्यू के हिसाब से, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है। अब यहां हम अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। सबसे पहले यहां जो डेटा है, टाइटल है हमारा, ये यहां पे आना चाहिए इस एरिया पे। इस एरिया पे हमारा चार्ट होगा, एरिया पे चार्ट होगा, यहाँ पे हम चार्ट लिख देते हैं, और यहाँ हमारे सोर्स, ये जो सोर्स है ये सोर्स आना चाहिए, और साथ में उसके सामने चेक बॉक्स होना चाहिए। तो एक बार मैं इसको यहां से उठाता हूँ। इसके दो तीन तरीके, क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूं मेरे पास सोर्स टाइटल कितने हैं, 36 हैं, तो मुझे इसमें 36 वीडियो लगाना पड़ेगा। कम और कर सकते हैं कि हम डेवलपर में जाएंगे और यहां पे हमारे पास लिस्ट बॉक्स है, और इस लिस्ट बॉक्स को हम यहां से ड्रैग करते हैं। तो नीचे, अब इस लिस्ट बॉक्स के अंदर डेटा रखना है हमें, तो ए से लेके एफ 36। मैं एक बार रेंज लेता हूं, कैसे करेंगे देखिए, एक बार इसको पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ रेंज लेने के लिए सम लगा रहा हूं ताकि मैं इसका रेंज सीट नेम के अकॉर्डिंग ले सकूं। या राइट, ये जो दिख रहा है आपको इसके अकॉर्डिंग क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूं, यहां आपको दिखेगा रो सोर्स। तो मैं यहां लॉट सेल और एबल डिवाइस करता हूं डेटा, राइट। टेक्स्ट इंडेक्स नंबर लिस्ट फिल रेंज, और इसमें कॉलम काउंट जो है हमारा, कॉलम काउंट पे 7 कर देता हूं।
सातों कॉलम यहाँ पे दिख गया। मैं यहाँ पे आता हूँ एवरेज व्यू ड्यूरेशन, शॉर्ट नाम दे देंगे सही रहेगा AVD। यहाँ पे आपका इम्प्रेशन है IMP कर देते हैं। यहाँ पे आता है इम्प्रेशन क्लिक्स, शॉर्ट नेम रहता है तो सही रहता है। अब यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं, अब सही है हमारा। इसी में इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें आपको स्टाइल दिखेगा, स्टाइल में प्लेन है, प्लेन की जगह पे ऑप्शंस कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, इसी में मैं कर देता हूँ मल्टीपल मल्टी सेलेक्ट, इसमें आता है एक ऑप्शन मल्टी सेलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट है, इसको मैं यहाँ से मल्टी सेलेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब आ गया आपका, अब मैं एक बार यहाँ से डिजाइन मोड हटाता हूँ, तो अब मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, इस तरह से मल्टीपल सेल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। डिजाइन मोड में आता हूँ, एक बार इसको प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, इसमें एक लॉक्ड आता है, सही है लॉक्ड। अब यहाँ पे आ गया, अब मुझे इसमें एक छोटी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा यहाँ पे कि जहां जहां क्लिक हुआ है, जहां जहां क्लिक हुआ है वो यहाँ पे आना चाहिए, और उसके हिसाब पे वो चार्ट डेटा पे जाएगा, चार्ट डेटा से एक डेटा पे प्रिपेयर होगा, फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग फिर डैशबोर्ड पे हमारा चार्ट दिखेगा। जी डैशबोर्ड पे हमारा चार्ट दिखेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक चार्ट के लिए, चार्ट अंडरस्कोर डेटा कर देते हैं, डेटा चार्ट डेटा के लिए हमें यहाँ पे पहले तो डेट देना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा मिनिमम डेट होगा, क्योंकि डेट तो एक मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो मिनिमम डेट यहाँ पर हम देते हैं ताकि एक मिनिमम डेट आ जाए। और ये हमारा फिक्स है 28 दिन का, तो इसमें हम 28 दिन प्लस वन तक कर देते हैं। ज़्यादा हो गया, 21 दिन हो, 51 दिन हो गए, हमें 28 दिन तक ही लेना ना। इस 28 दिन का जो डेटा हमें आया है, इसमें हमें ये यहाँ पे ये आया। हाँ अब यहाँ पे मेरा हेडिंग, क्योंकि कई एज में एक या एक से ज्यादा हो सकता है, सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल कर देते हैं, यहाँ पे टोटल आना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल सम इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ और बोलता हूँ कि चार्ट में जाए यहाँ पे रेंज A2 और फिर ये दे दो, टोटल तो हमारा फिक्स है, तो टोटल के अकॉर्डिंग हमारा दिखेगा। टोटल तो फिलहाल हमने किया ही नहीं है, तो टोटल नहीं, मतलब कि यहाँ जिस चीज़ पे क्लिक होगा वो यहाँ पे चार्ट के डेटा में हॉरिजॉन्टली आपको दिखेगा, और जो हॉरिजॉन्टली होगा उसका डेटा जो है हमारे चार्ट पे यहाँ दिखेगा, उसके हिसाब से चार्ट का डेटा अकॉर्डिंग हमारा डेटा चार्ट का फॉर्म तैयार होगा। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले तो अब इसमें जिस जिस पे क्लिक होगा, जिस जिस पे क्लिक होगा
उसका यहां पे आना चाहिए, यहां पे क्लिक। उसके लिए हमें बनाना, हमें करना होगा प्रोग्रामिंग। तो डैशबोर्ड पे जाते हैं, डिजाइन मोड में जाते हैं, क्योंकि इसमें विदाउट वीवीए होगा ना, क्योंकि डैशबोर्ड पे तो वीवीए की जरूरत तो पड़ती है। अदरवाइज अगर वीवीए भी विदाउट वीवीए भी मैं आपको पांच चार पांच करके दिखाऊंगा। तो क्लिक, यहाँ पे लिखेंगे फोर आई इक्वल टू, चले 0 टू, यहाँ पे सॉरी शीट वन डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट काउंट जितना लिस्ट है उतना चलना, 0 से स्टार्ट हुआ इसलिए हमने यहाँ पे -1 किया है। नेक्स्ट आई, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ मी, मी नहीं, यहाँ पे सीट वन होगा, सीट वन डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड, और यहां पे हम दे देते हैं नंबर आई। तो यहां पे हमें कंडीशन देना होगा कि इफ शीट वन डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड डॉट, यहां पे डॉट सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड में कौन सा, तो आई, देन यहां देना है सीट सीट्स टेबल डेटा, टेबल डॉट रेंज, रेंज में यहाँ पे जी के साथ कंबाइन होगा आई प्लस वन, क्योंकि आई यहाँ 0 से है इसलिए प्लस वन करना जरूरी है। डॉट वैल्यू इक्वल, और फिर यहाँ पे else, क्योंकि जिसको सिलेक्ट नहीं करेगा उसको तो चेंज करना है, तो कॉमा else इक्वल टू, और फिर यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा। अब यहाँ हम आते हैं वापस अपने डैशबोर्ड वाले शीट पे। अब जैसे मान लीजिए मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट होते ही डेटा में देखें कि यहाँ पे वाई वन वाई एन एन एन, जो सिलेक्ट नहीं वहाँ पे एन है, और जिस जिस पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम जीमेल पे सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ हम जीमेल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो जीमेल को सिलेक्ट करते ही यहाँ जीमेल पे भी वाई आ जाएगा। अब जिस जिस पे यहाँ वाई डला हुआ है, जिस पे वाई डला हुआ है, सेम चीज हम यहाँ चार डेटा में हेडिंग चाहिए हमको। जी हाँ, जिस जिसमें वाई डला है उसका हेडिंग हम चाहते हैं यहाँ पे, वो कैसे लाए। अब ये मल्टीपल डेटा है तो यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट इफ, और हम ये सिलेक्ट करते हैं और इसको वापस सिलेक्ट, इसमें हम कंडीशन देते हैं काउंट इफ्स लगा देते हैं, यहां पे देते हैं कि ये आपका वाई होना चाहिए। यहाँ नीचे ड्रैग करने से पहले हम यहाँ पे जी वाले पहले वाले को फ्रीज कर देते हैं, इसको फ्रीज नहीं करना, और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं।
सीरियल नंबर सिर्फ वाई को मिल रहा है, आपका एन वाले को सीरियल नंबर पे जीरो कर रहा है। तो यहां हम इसमें चार डेटा में देते हैं, यहां वन से यहां पे हम मैच लगाते हैं मैच, और यहां पे वन और डेटा में चार डेटा में इसमें टेबल डेटा में टेबल डेटा में जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं एंड कॉमा जीरो करते हैं ताकि इसका रो नंबर आ जाए, और फिर सिंपल सा ऑफसेट लगाएंगे और चले जाएंगे टेबल डेटा में, इसको सेलेक्ट करेंगे कॉमा रो में माइनस वन, और हेडिंग चाहिए हमें किसके अकॉर्डिंग, सोर्स हेडिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम कॉलम जीरो कर देते हैं। सर्च हमें यहाँ पे दिख गया, अभी मैच वन टू थ्री फोर हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये दे सकते हैं कॉलम सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिक करने के लिए कॉलम माइनस वन। अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन, ये तो हो गया, अब यहाँ पे कंडीशन इसको चलाने से पहले कंडीशन देंगे कि इफ कॉलन माइनस वन इज ग्रेटर देन मैक्स कौन सा डेटा में ए सीक्वेंस नंबर, क्योंकि जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही चलेंगे ना, दैट ए यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फिर ये चले। आगे ड्रैग करना है तो हमें एच एच डेटा को इसको फ्रीज कर देते हैं, इसको भी हमें फ्रीज रखना है, और ए वन राइट इसको भी फ्रीज रखना है, फ्रीज करने की जरूरत एक मिनट माइनस नहीं करना था, हमें ग्रेटर करना था। डेटा है 35-37 जो भी डेटा है वहाँ डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें हम डेट और इसके अकॉर्डिंग, अभी हमें देखिए डेट और इसके अकॉर्डिंग हमें लुकअप लगाना है, तो यहाँ सम इफ्स भी लगा सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम इफ्स लगा देते हैं सम इफ्स, और सम इफ्स में हमने यहाँ चार्ट में गए, मुझे तो सम करना है व्यू, पहली कंडीशन हमारा है डेट जो कि बराबर होना चाहिए हमारे इस डेट से, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास सोर्स टाइटल जो कि बराबर होने चाहिए हमारे, अब इसको आगे ड्रैग करना है तो हम इसको फ्रीज कर देते हैं क्योंकि फ्रीज रहेगा तो सही रहेगा। अब A2 तो A2 का हम यहाँ पे A फ्रीज कर देते हैं ताकि B ना बने, B1 का यहाँ पे 1 फ्रीज कर देते हैं, और इसमें हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं नहीं, इसमें एरर है, इसमें अगर आगे ट्रैक करें तो यहाँ पे जीरो आएगा कि एरर आएगा, जीरो आएगा, तो यहाँ पे हम कंडीशन देना पड़ेगा जीरो ना, इफ अगर ए इक्वल टू ब्लैंक है तो रिजल्ट ब्लैंक है, नहीं तो फिर सम इफ, इसका भी हमें बी का 1 फ्रीज करना पड़ेगा, 28 दिन का है तो 28 दिन का हम यहां पे कंट्रोल आर कंट्रोल डी, तो हमारा डेटा आ गया। अब इसमें हम चार्ट लगाते हैं, इंसर्ट लाइन्स को पहले आप कॉपी कर लेंगे फिर ऐसे लगाते हैं। अब बट यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आपने भले ही सिलेक्ट जो है ये कौन सा चार्ट आ गया, इंसर्ट
लेआउट फाइल जीरो वगैरह क्यों आ रहा है? ये यहाँ पे छोटी सी दिक्कत दे रहा है, और दिक्कत देने के पीछे हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो ब्लैंक दिख रहा है, ये ब्लैंक का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए था। ये आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए था, तो ये डेटा दिख गया। अब डेटा के ऊपर, चार्ट के ऊपर इसको लेना, आप जिस पे क्लिक करेंगे मेरा उसी का डेटा दिखेगा। मान लीजिए सब कुछ हम चेक कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। वाई कर दो, क्लिक करने के बजाय मैं सब तो वाई कर देता हूँ, वाई कर दिया, तो यहाँ पे चार्ट में मेरे पास पूरा चार्ट दिख गया। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके और इंसर्ट पे जाता हूँ, और यहाँ से चार्ट इंसर्ट करता हूँ। मैं हमें सिंपल करने की कोशिश, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे किए जा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल करना चाह रहा था इसलिए। इसको यहाँ से, इसको यहाँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कट करके और मैं अपने डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। सिंपल है, ये चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको भी हटा सकता हूँ, या रख भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं अपने चार्ट डेटा पे जाता हूँ, इसमें डेटा टेबल पे। अब मैं यहाँ पे इसको सबको एन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ, सॉरी, अब यहाँ पे, अब देखिए चार्ट डैशबोर्ड अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नील। गूगल सर्च क्लिक किया तो आप यहाँ गूगल सर्च देख रहे हैं, गुड। जीमेल, जीमेल। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। फेसबुक, ऑल्सो फेसबुक, गुड। तो आखिर में हमने विदाउट बीवी की ज्यादा यूज नहीं किया और हमने इसको कर लिया। अब आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि हम ऐसे, हालांकि इसको वीवी प्रोग्रामिंग में थोड़ा हमने यूज किया, सिर्फ इसको डेट इस क्लिक करने पे, बता इसको भी हम बिना विदाउट वीवी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विदाउट वीवी किस तरह से इसको किया जा सकता है।